अरे ये क्या हो गया? अजीत दादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग, पानी पी पी कर कोसते थे। लेकिन अब तो वही अजीत दादा देवेंद्र फडणवीस के सहयोगी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए। कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ चाहे जो भी हो, लेकिन लोग इस बात से हैरत में पड़ गए कि भाजपा कौन सा भ्रष्टाचार मुक्त वॉशिंग मशीन है, जिस पर अगर भाजपा द्वारा आरोपित व्यक्ति को भी शामिल किया जाता है तो उसकी छवि बिल्कुल साफ सुथरी हो जाती है। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। बिल्कुल सही बात है, आज हर कोई अपने उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। नहीं तो मोदी जी मध्य प्रदेश में कहें कि वह किसी भ्रष्टाचारी को माफ नहीं करेंगे, और जैसे ही महाराष्ट्र पहुंचे, जिस पर वो भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगा रहे थे, उसे सजा के तौर पर डिप्टी सीएम बना दिए, और छत्तीसगढ़ पहुंचने के बाद फिर दोहराते हैं कि वो किसी को माफ नहीं करेंगे, फिर भी लोग सवाल पूछने के बजाय ताली बजाते हैं। जिसने गलत किया है वो बचेगा नहीं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अच्छा, इन दिनों अरविंद केजरीवाल अपने पुराने वीडियो को लेकर खूब चर्चाओं में हैं। दिखाइए। पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। अभी जितनी झीलें, 26 झीलें बन के तैयार हो गई हैं। इन झीलों में मैं कई झीलों पे होके आया, अब वहां पे इतनी हरियाली है झीलों के चारों तरफ, इतना खूबसूरत वातावरण है, इतनी शुद्ध हवा है। सर ने कहा था, केजरीवाल सर ने, कि घर घर पानी जाएगा, ये देखो रोडों पे भी पानी आ गया। अच्छा। वैसे तो हंसने की बात बिल्कुल भी नहीं, ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, और अगर देश की राजधानी में ऐसे हालत बनते हो तो फिर हम पूरे देश को विकास की ओर कैसे ले जा पाएंगे? अपने पर्सनल होठों से सही बोल रेला है तू। सब पूरी तरह डूब चुका है, लोगों के घरों में पानी है, दुकानों में पानी है, लाखों करोड़ों का नुकसान है, गाड़ियों के अंदर पानी भर चुका है। अरे बाबा, टाइम बहुत खराब आ गया। वैसे आप इन मुद्दों के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या।